नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन एंड रियोल्यूशन जैसे कि हमने कल पढ़ा था लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और उसके बहुत सारे फीचर्स जो हमने कल पढ़े थे तो टूडेज टॉपिक इज रोटेशन एंड रियोल्यूशन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रेगुलर घूमती रहती है साथ में अर्थ जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती है और एक परिक्रमा करती है सूरज का इस तरह से अर्थ पृथ्वी साल में सूरज के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाती है इसको ऐसे समझा जाए जिस तरह से हम एक लट्टू टॉप जो है फेंकते हैं तो उसमें क्या है कि वो अपने कील के चारों तरफ रोटेट करती है इस कील को हम ऐसे समझें कि ये रोटेशन है और लट्टू एक जगह से घू नाचते हुए नाचते हुए ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूव करती भी रहती है अपनी डिस्प्लेस होती रहती है तो इस वाले को हम समझें कि रिवोल्यूशन मान लीजिए कि ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ सन के चारों तरफ एक पार्टिकुलर पाथ पे अर्थ रोटेट करती रहती है कितने दिनों में तीन सौ पैंसठ डेज में ये जो है ये मोमेंट जो चारों तरफ सन के एक पार्टिकुलर पाथ पे ऑर्बिट पे मूवमेंट हो रहा है इसी को हम रिवोल्यूशन कहते हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स यानी कि तीन डेज और सिक्स आवर्स में सन के चारों तरफ एक पाथ पे एक आर्बिट पे अर्थ मूव करती रहती है इट इज कॉल्ड द रियोल्यूशन। व्हेन अर्थ मूव अराउंड द सन ओवर ए डिफाइंड आर्बिट या पाथ इट इज कॉल्ड द रियोल्यूशन। इट कंप्लीटेड वन रिवोल्यूशन इन ईयर दैट इज 365 सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स अब सवाल यह है कि जो रिवोल्यूशन है उसके कारण अर्थ है कि चारों तरफ सन के घूमने से क्या क्या बदलाव आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सीजनल चेंजेस होते हैं कल हम रोटेशन के बारे में तो बात कर चुके थे बहुत ज़्यादा आज हम रोटेशन और रिवोल्यूशन इन दोनों का कंपटिटिव स्टडी करेंगे तो इन कॉन्टेक्सट में हम देखेंगे मान लीजिए कि यह अर्थ का यह ऑर्बिट है इस ऑर्बिट के इस आर्बिट पे अर्थ मूव करती रहती है हमेशा रेगुलर साल भर चलती रहती है कभी अर्थ सपोज दैट यहां हो सकती है हमने क्या किया कि एक लाइन जो है इस वाले आर्बिट पे अगर ऐसे ड्रा किया कुछ ऐसे मान लीजिए एक टेंजेंट या एक प्लेन हमने लाइन इसके कंपेरिजन में ऐसे ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन तो एक लाइन अगर इसका वर्टिकल क्या होगा ये हो जाएगा फिर हमने क्या किया सेम ऐसे जो है इसी को के कॉन्टेक्स्ट में इसी के कंपेरिजन में जिस तरह से एक होरिजेंटल लाइन या पहले लाइन ड्रा की थी इसी तरह से एक लाइन हमने यहाँ ड्रा कर दी सेम ऐसे ये लाइन अगर ड्रा की जाए जिस तरह से हमने ये लाइन एक ड्रॉ की इसी तरह से अगर एक लाइन जो ये वाली ड्रॉ की गई है इसको भी अगर ऐसे सॉरी तो ये कुछ दिक्कत है ओ ये है अगर हमने एक लाइन सेम ऐसे यहां पे ड्रॉ कर दी जिस तरह से ये लाइन ड्रॉ की थी अब हम क्या देखते हैं कि ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वर्टिकल लाइन है ये वो रिजेंटल लाइन है किसके कंपेरिजन में इस ऑर्बिट के कंपरिजन में अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे इसके चारों तरफ रोटेट नहीं करती ये जो लाइन है आपका इसके चारों तरफ अर्थ रोटेट नहीं करती अर्थ का रोटेशन जो है इस तरह से होना चाहिए था इस पर अर्थ का रोटेशन इस पर ना होकर के इस पर है एक दूसरी लाइन है जिसपे अर्थ का रोटेशन है यह लाइन मान लीजिए जिसपे अर्थ का रोटेशन है और इसी को हम अर्थ का एक्सिस मानते हैं अर्थ रोटेट करती इस लाइन पे ये हमने रोटेशन का सिंबल बना दिया ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन पे अर्थ हमेशा रोटेट करती रहती है इसी को हमने एक्सिस माना अब क्या है कि इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ को इस पर ऑर्बिट पे ऐसे होना चाहिए था ऐसे ना हो करके अर्थ अपने ऑर्बिट पे थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है क्योंकि अर्थ इस तरह से इस तरह से रोटेट करती रहती ऐसे रोटेट करती रहती है तो ये जो झुकी हुई है अर्थ उसको हम कहते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस इसका एक्सिस ये वाली जो लाइन है जिस पे ये अर्थ रोटेट करती है ये वाली लाइन झुकी हुई है आर्बिट के प्लेन के कंपरीजन में सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री आर्बिट कौन सा है ये वाला लाइन हमारा आर्बिट है ये वाला लाइन आर्बिट है इसका प्लेन लाइन कौन सा है ये लाइन हमारा इसका प्लेन है इस लाइन के कंपरीजन में ये वाली लाइन जो एक्सिस है पे अर्थ रोटेट करती है कितना झुकी हुई है सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री ये चीज समझने का है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे इसका एक्सिस झुका हुआ है ऑर्बिटल प्लेन के कंपेरिजन में सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री अर्थ एक्सिस इज बेंडिंग सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री ओवर द टेंजेंट प्लेन ऑफ द ऑर्बिट अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे कंपेरिजन में छाछठ डिग्री झुकी हुई है छाछ एंड हाफ डिग्री झुकी हुई है इधर देखिए ये जो वर्टिकल लाइन थी ये किसके कंपेरिजन में हमने बनाया था ऑर्बिट के कंपेरिजन में वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था ये वर्टिकल लाइन से अगर हम इसका कंपेरिजन करेंगे एक्सिस का तो कितना झुका हो जाएगा ये वाला कितना एंगल बनेगा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ ऐसे ही अर्थ को हम अगर यहां पे बना लेते हैं एक बड़ा सा अर्थ का मैप यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं अर्थ का हमने यहां पे एक बड़ा सा ऐसे मैप ऐसे अर्थ को ड्रॉ कर लिया अर्थ को हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया और इसी पे जिस तरह ये जो आर्बिट है इसी पे हमने एक टेंजेंट बनाया और एक हमने बनाया वर्टिकल तो अर्थ का एक्चुअल होना क्या चाहिए था इसके कंपैरिजन में कुछ ऐसे होना चाहिए लेकिन अर्थ ऐसे ना हो करके अर्थ जो रोटेट करती है कुछ इस पर रोटेट करती है अर्थ जो इस पर रोटेट करती है तो ये वाला जो एंगल इसके कंपैरिजन में ये वाली जो आपकी लाइन है इसके कंपैरिजन में छाछ एंड हाफ डिग्री अर्थ जो है बेंड है यानी कि झुकी हुई है अर्थ जो छाछ एंड हाफ डिग्री अगर इस पर झुकी हुई है तो जो ये वर्टिकल लाइन है इसके कंपेरिजन में अर्थ का जो ये एक्सिस है ये क्या हमारा एक्सिस है एक्सिस कितना हो जाएगा ये इधर वाला भी ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री अर्थ का एक्सिस वर्टिकल प्लेन जो हमने बनाया ऑर्बिट के कंपेजन में उस पर इधर जो है झुकी हुई है और इधर इस वाले के कंपेरिजन में छः छः डिग्री झुकी हुई है इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ रोटेट करती है इसी प्लेन लाइन पे या इस ऑर्बिटल पाथ पे साल भर और रोटेट ऐसे नहीं करती सॉरी रिवॉल्व करती है अर्थ जो है इस ऑर्बिटल पाथ पे राउंड द ईयर रिवॉल्व करती रहती है चलती रहती है साथ में रोटेट करती है अपने एक्सिस पे और उसका एक्सिस कुछ इस तरह से रहता है तो देखिए अगर ऐसे ये रोटेट करते करते कभी ये रोटेट करती रहेगी रोटेट करते करते अर्थ कभी यहाँ आ जाएगी लेकिन इसका ये ऐसे हमेशा बेंडिंग रहेगा ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी और इस पाथ पे भी चलती रहेगी ऐसे ऐसे रोटेट करते करते इस पाथ के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती रहती है इसको रिवोल्यूशन कहते हैं लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेशन करती है उसको हम रोटेशन कहते हैं अब सवाल ये है कि इसका क्या क्या मतलब कि हमारा फायदा है क्या क्या नुकसान है तो उसमें देख लेते हैं एक बार और ड्रॉ करते हैं मान लीजिए कि दिस इज सन। ये देखिए अर्थ जो है एक बार अर्थ रोटेशन में कहीं कभी यहाँ पहुँच सकती है और अर्थ का क्या होगा ये एक्सिस होगा ये वाला आपका इक्वेटर की लाइन होगी ये वाली लाइन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा ये लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैपरी हो सकती है इस तरह से इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 23 एंड हाफ नॉर्थ हो जाएगा ये हमारा लाइन जो है 23 थ्री हाफ साउथ हो जाएगा और ये ज़ीरो जी, जी, इक्वेटर हो जाएगा कभी कभी अर्थ जो है रोटेट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ करते करते, यहां, करते करते, यहां करते, यहां यहां रोटेट करते करते यहाँ रिवोल करते करते यहाँ पहुँचेगी फिर रिवोल्यूशन करके यहाँ पहुँचेगी फिर यहाँ पहुँचेगी प्लस अपने एक्सिस पे रोटेट करती ही रहेगी जब अर्थ यहाँ पहुँच जाएगी तो इसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ये वाला जो है आपका एक्सिस वाला पाथ हो जाएगा यह एक्सिस है यह इक्वेटर हो जाएगा ज़ीरो डिग्री ये वाला जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री हाफ नॉर्थ में और यह वाला लाइन हमारा ट्वेंटी थ्री हाफ साउथ में हो जाएगा ऐसे ही एक समय आएगा कि अर्थ रिवॉल्व करते करते अर्थ रिवॉल्व करते करते कभी यहां पहुंचेगी जब यहाँ अर्थ पहुँचेगी तो इस तरह से इस पर भी होगा ये हमारा ट्वेंटी थ्री हो जाएगा यह हमारा ट्वेंटी थ्री साउथ हो जाएगा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैपर कैप्रिकॉन और बीच में ये हमारा इक्वेटर का हो जाएगा इसी तरह से अर्थ रोटेट करते करते एक समय आएगा कि यहां पहुंचेगी इस पर और अर्थ इस वाली कंडीशन में भी बंडिंग रहेगी झुकी रहेगी ये वाला लाइन क्या हमारा 23 नॉर्थ और यह वाला हमारा 23 साउथ ये वाला पाथ हमारा इक्वेटर पे है जब अर्थ है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अर्थ की किरणें वर्टिकल पड़ती है साल में एक बार उस वाली कंडीशन को कहते हैं हम समर समरसोलिस्टिक समर समर समरसोलस्टिक कब की बात होती है ये इक्कीस जून को इक्कीस जून पे अर्थ जो है नदन हेमेस्फेयर पे वर्टिकल चमक रहा होता है नदन हेमेस्फेयर का मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अर्थ इक्कीस जून को वर्टिकल चमकता है उसके बाद अर्थ जब कभी यहां पहुंचेगी ये वाली लाइन हमने सेम ऐसे यहां से, भी, भी ड्रॉ कर लिया तो अर्थ यानी कि जून के बाद जुलाई अगस्त जुलाई एंड अगस्त के बीच में यानी कि ये जून हो गया तो यहाँ पे जुलाई यहाँ पे अगस्त यहाँ पे ये सितंबर हो जाएगा हमारा ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी सितंबर की हो जाएगी ये वाला हमारा क्या है जुलाई एंड अगस्त में हो जाएगा तो जुलाई एंड अगस्त में अर्थ जो है कहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही होंगी जब यहाँ पर यह होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा सूरज की किरणें कुछ यहां पर पड़ रही होंगी यानी ये वाली जो लाइन है इक्वेटर के पास यहाँ पर पहुंचेगी किरणें की वर्टिकल पड़ेंगी एक समय आएगा सितंबर में अर्थ पे इक्वेटर पे अर्थ सॉरी इक्वेटर पे सूरज की किरणें वर्टिकल चमकेगी कब की बात होगी ये तेईस सितंबर को तेईस सितंबर को हम कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स पे तेईस सितंबर को होता है उस टाइम सूरज की किरणें इक्वेटर पे वर्टिकल चमक रही होती हैं जब सूरज की किरणें या कई जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल चमक रही होती हैं तो क्या होता है कि लॉन्गेस्ट डे कहाँ पे होगा ओवर ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या नदन हेमेस्फेयर इक्कीस जून को यानी समर सोलिस्टिक वाली कंडीशन में हमारे यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं उस गर्मियों में हम देखते हैं कि दिन जो है सबसे ज़्यादा लंबे रिकॉर्ड किए जाते हैं इक्कीस तो जून को सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ वर्टिकल पड़ेंगी तेईस एंड हाफ पे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे उसको हम समर सोलिस्टिक कहते हैं उस वाली कंडीशन में हम देखते हैं कि सबसे लंबा दिन जो है रिकॉर्ड किया जाता है नदन हेमस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है इसी वाले दिन होगा और सबसे ज्यादा जो है शॉर्टेस्ट नाइट कब होगी आपका शॉर्टेस्ट नाइट होगी इन नदन हेमेस्फेयर इन नदन हेमेस्फेयर तो नदन हेमेस्फेयर में हमारा क्या है शॉर्टेस्ट नाइट होगी यानी कि रात सबसे छोटी हो जाएगी और दिन सबसे लंबे हो जाएंगे कब इस वाली कंडीशन में सेम उसी के रिवर्स में इसी वाली कंडीशन के रिवर्स में जब हमारे यहां दिन Uh, उन दिनों में जनरली नाइट डे नाइट बारह घंटे की होती है तो उन दिनों में हमारे यहाँ नाइट चौदह घंटे या साढ़े चौदह घंटे की हो जाएगी और रात उसी हिसाब से हमारी कम हो जाएगी यानी कि टेन आवर साढ़े नौ घंटे की या इसे दस घंटे की नाइट होगी तो उसकी भरपाई कहाँ पे होगी या सदन हेमस्फेयर से होगी सदन हेमस्फेयर में हमारा क्या होगा कि दिन जो है नौ से दस घंटे की होगी यानी कि शॉर्टेस्ट डेज होंगे सदन हेमेस्फेयर में इस वाली कंडीशन में तो यहां पे हम लिख सकते हैं समर सोलिस्टिक में क्या है कि शॉर्टेस्ट डेज इन सदन हेमेस्फेयर बट बट लॉन्गेस्ट नाइट इन सदन हेमेस्फेयर दिन इसमें सबसे छोटा होगा सदन हेमेस्फेयर में और रात सबसे बड़ी होगी इसी का रिवर्स जो है नदन हेमोस्फेयर में होगा कि दिन सबसे बड़ा होगा और रात छोटी हो जाएगी सबसे यह वाली कंडीशन कहलाएगी समर सोलिस्टिक अर्थ जो है रोटेट करते करते एक टाइम आएगा यहाँ पहुंचेगा अर्थ जो है रिवॉल्व करते करते एक समय आएगा कि यहाँ पहुंचेगा जब अर्थ इस जगह पे पहुंचेगी तो सूरज की किरणें इक्वेटर पे वर्टिकल चमक रही होंगी इस वाली कंडीशन को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं ये बात होती है 23 सितंबर की 23 सितंबर की और यहाँ पे डे एंड नाइट हो, इक्वल होंगे इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल ऑटम्स का मतलब क्या आपका पतझड़ जिसे हम पतझड़ कहते हैं तो उन दिनों में यानी सितंबर के समय में डे एंड नाइट पूरे ग्लोब पे इक्वल होगा क्योंकि इक्वेटर पे सूरज की किरणें मतलब लंबवत या जमा रही होंगी यही आ रहा है से रिवॉल्व करते 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 रोटेट एक टाइम यहां पहुंचेगी तो अर्थ फिर एक समय आएगा कि यहां पहुंचेगी इस टाइम पे हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन पे सूर्य की किरणें वर्टिकल चमक रही हैं कहां पे कहाप्रिकॉन कैपरिकॉन कैप्रिकॉन पे सूर्य की किरणें अगर वर्टिकल चमबेंगी इसका मतलब इस वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे यहां पे हमने देखा था समर सोलिस्टिक तो इसको हम नाम दे देते हैं ंटर सोलिस्टिक सोलिस्टिक का मतलब कि सनशाइन यानी मैक्सिमम सनशाइन सूरज का ज्यादा से ज्यादा चमकना कब की बात होती है विंटर में विंटर की सूरज का जा, क्यों ज्यादा चमकेगा यानी कि सदन हेमोस्फेयर में चमकेगा उनके कॉन्टेक्स्ट में यह बात बोली गई है तो यह बात कब की होगी बाईस दिसंबर की बात होती है यह ट्वेंटी टू दिसंबर को होता क्या है कि कैप्रिकॉन पे यानी कि तेईस एंड हाफ पे सूरज की किरणें वर्टिकल चमकती हैं उस दिन लॉन्गेस्ट डेज कहां पे होंगे लॉन्गेस्ट डेज इन सदर्न हेमेस्फेयर यानी ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे यहां ठंडियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े दिन होते हैं ठंडियों में हमारे यहां दिन छोटे होते हैं रात बड़ी होती है ऑस्ट्रेलिया में दिन बड़े होंगे रात छोटी होगी क्योंकि उस टाइम वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा अर्जेंटीना का भी यही कंडीशन होगा साउथ अफ्रीका का भी के जितनी कंट्रीज है उनका ही कंडीशन होगा यानी सदर्न हेमस्फेयर में 22 दिसंबर को सूरज की किरणें वर्टिकल तेईस एंड हाफ पे चमक रही होंगी यहाँ देखने की बात यह है कि कभी भी इस ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जो बेल्ट है उसके बियॉन्ड सूरज की किरणें नहीं जाती यानी वर्टिकल जो है सूरज की किरणें हमेशा ट्रॉपिक्स के बीच में ही चमकती हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई चीज अगर वर्टिकल पड़ती है कहीं पे तो एक टाइम ऐसा आता है कि दोपहर में शेड ज़ीरो हो जाता है यानी कि जो साया होता है किसी भी चीज़ का वो ज़ीरो हो जाएगा अगर सूरज दोपहर में जैसे हमारे यहाँ बारह बजे एक टाइम ऐसा आता है जबकि सूरज जीरो हो जाएगा क्योंकि अगर हम किसी एक फ्लैश लाइट लाइट अगर इधर से जलाते हैं और इस साइड में अगर हम उसको रखते हैं तो उस फ्लैश लाइट की वजह से उसका शेड बनेगा लेकिन अगर फ्लैश लाइट उसका ऊपर से जलाया जाए तो इसका जो है नीचे जो शेड बनेगा वो उसी के जस्ट नीचे बनेगा उस एरिए को हम देख नहीं सकते तो उसको हम कहेंगे कि ये जीरो शेड है ऐसे ही ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया पड़ता है वहां पे साल में एक बार या दो बार कुछ जगहों पे शेड जीरो रहेगा यानी नून जो है दोपहर का टाइम जो 12 बजे का समय है वहां पे शेड जीरो रहेगा अब देखने की बात यह है कि सूरज की किरणें एक बार यहाँ पे वर्टिकल चमकती हैं यानी कि यहाँ पे देन आकर के यहां पे वर्टिकल चमकती है इसके बियॉन्ड नहीं आती है इसका मतलब कि ये वाले जो एरियाज हैं ये वाले जो एरियाज हैं यहां पे शेड कभी भी जीरो नहीं होगा यहां शेड रहेगा ही रहेगा थोड़ा बहुत दोपहर में भी क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लांटिंग रेस पड़ती है और यहां पे वर्टिकल चमक रही है आज के टाइम पे इसका मतलब कि यहां पे इस एरियाज पे जितने कंट्रीज लोकेटेड हैं सिचुएटेड है, है उनका शेड जीरो हो जाएगा दोपहर के समय यह वाली बात हमारी है कि यहां पे लॉन्गेस्ट डेज रिकॉर्ड किया गया सदन हेमेस्फेयर में और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगी फिर उनकी शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगी शॉर्टेस्ट नाइट इन सदन हेमेस्फेयर में जस्ट उसी का रिवर्स हो जाएगा नदन हेमेस्फेयर में नदन हेमेस्फेयर का मतलब कि यह वाला बेल्ट देखिए आप यहां से लेकर के ऑनवर्ड जितना भी है यह नदन हेमेस्फेयर पूरा है नदन हेमेस्फेयर में हमारा लॉन्गेस्ट नाइट होगी और शॉर्टेस्ट डेज होंगे इसी का जस्ट रिवर्स होगा ये सन एक टाइम ऐसे मूव करते करते इस पे आकर के फिर इक्वेटर पे आकर के चमकेगी दोबारा जब सन दोबारा इक्वेटर पे चमक रही होगी उस वाली कंडीशन में हम क्या कहते हैं यहां पे हमने देखा ये कि दिसंबर है दिसंबर के बाद फिर यह हमारा हो जाएगा जनवरी जनवरी के बाद यह हो जाएगा हमारा फरवरी फरवरी के बाद जब मार्च में हम पहुंचेंगे तो सूरज की किरणें वर्टिकल चमक रही होंगी कब की बात होगी ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को कहां पे चमक रही होंगी इक्वेटर पे इक्वेटर पे जब सूरज की किरणें इक्कीस मार्च को वर्टिकल चमक रही होती हैं यानी इक्वेटर पे सूरज जो है शेड बनाता है जीरो कब इक्कीस मार्च को इस वाली कंडीशन को हम जैसे यहां पे हमने ऑटम इक्विनॉक्स बोला था हमने यहां पे इस वाली कंडीशन को क्या बोला स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्योंकि मार्च को हम क्या कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब कि 21 मार्च को डे एंड नाइट्स इक्वल होते हैं पूरे ग्लोब पे डे एंड नाइट्स क्या होंगे आपके इक्वल होंगे कहां पे पूरे ग्लोब पे डे एंड नाइट जब पूरे ग्लोब पे इक्वल होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज जो है इक्वेटर पे वर्टिकल चमक रहा है फिर ये यह, यहां पे ये यह मार्च था मार्च के बाद यहां पे आएगा अप्रैल आएगा जब अर्थ पृथ्वी यहां पहुंच जाएगी अप्रैल के बाद मई मई के बाद जून जून में फिर यहां पे सूरज की किरणें तो इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा एक साल में हमने यह देखा सूरज की किरणें कभी भी ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड नहीं जाती हैं हमेशा ये वर्टिकल चमकती हैं बिटवीन द ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज की किरणें साल में वनली एक बार चमकती हैं वनली एक बार यहां पर चमकती है Only एक बार यहां पे वर्टिकल चमकती है यहां पे। बाकी इसके बीच का जो हिस्सा है यहां पे सूरज की किरणें साल में दो बार वर्टिकल चमकती हैं। इसका मतलब कि दो बार अगर सूरज की किरणें यहां वर्टिकल चमकेंगी दो बार जो है दोपहर के का शेड जो है जीरो हो जाएगा यहां पर एक बार होगा इसके बियॉन्ड जो एरियाज पड़ेंगे वहां पर शेड कभी भी जीरो नहीं होगा कुछ ना कुछ शेड बनेगा क्योंकि वो स्लान रेज रहेगी तिरछी रेज तिरछी रेज अगर हम डालते हैं तभी शेड बनता है अगर वर्टिकल रेज पड़ेगा किसी चीज का तो वो शेड जीरो रहेगा तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में साल में एक बार सूरज की किरणें वर्टिकल चमकती हैं बाकी इसके ट्रॉपिक्स के बीच का जितना हिस्सा है सन जो है जब मूवमेंट करता है तो क्या है कि दो बार वर्टिकल चमकता है इस तरह से हमने एक पूरी कंडीशन देखी साल में सन जो है ये करता मतलब कि करता रहता है हमको एक चीज यहां देखना है कि मान लीजिए कि सपोज ये हमारा सन है। सन है के चारों तरफ एक पार्टिकुलर आर्बिट है इस आर्बिट के ऊपर ही पृथ्वी जो है रिवॉल्व करती रहती है इस आर्बिट को हमने क्या देखा यहां पे मान लीजिए हमने एक अर्थ बनाया ये अर्थ हमने बना दिया ये हमारा क्या सना है सन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए स्पेस नहीं है अर्थ हमेशा छोटा ही रहेगा बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि हमको समझाना जो चीज़ है मान लीजिए कि इस वाले लाइन के कम्परिजन में हमने एक लाइन ऐसे ये ड्रॉ की ये थोड़ा सा सही बन नहीं पाया इसको हमको एक बार और मिटाना पड़ेगा हम तो खाली यही मिटा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो ये अर्थ है ये जो है हमारा एक लाइन ये बना दिया अब देखिए सूरज की किरणें अगर यहां से निकलती हैं तो अर्थ के आधे वाले हिस्से पे ही सूरज की किरणें चमकेंगी आधा हिस्सा जो इधर वाला है ये डार्क रहेगा तो उसी को हम कहते हैं ये नाइट वाला पार्ट है इस वाली कंडीशन में हमने देखा लेकिन एक्चुअल ट्रूथ ये नहीं है ट्रूथ ये है कि एक ऐसे एक्सिस जो कि इमेजिनरी लाइन है उसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करती रहती है 24 घंटे में ये मान लीजिए रोटेशन का सिंबल बनाया हमने इस पे रोटेट करती है इस वाली लाइन पे इस वाली लाइन पे रोटेट करती रहती है जबकि सूरज की किरणें क्या है ओनली चमक रही हैं इतने हिस्से पे इसमें यह समझने की बात है कि अब इतने हिस्से पे सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं कितने हिस्से पे इधर वाले हिस्से पे सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं यानी ये वाला हिस्सा यह डार्क शेड है डार्क वाला एरिया है यहां देखना यह है कि जब अर्थ रोटेट कर रहा है इस वाली लाइन पे ऐसे परमानेंट रोटेट करता रहता है तो सूरज की किरणें इतने वाले हिस्से में जो ये वाला हिस्सा है यहां पे ज्यादा चमका इस तरह से एक लाइन अगर यहां पे ऐसे ड्रॉ की जाए और एक लाइन अगर यहां पे ऐसे ड्रॉ की जाए ट्रॉपिक ऑफ ये लाइन को हम मान लेते हैं आर्कटिक सर्किल 66 एंड हाफ डिग्री इस लाइन को हम मान लेते हैं अंटार्कटिक सर्किल 66 एंड हाफ डिग्री सूरज की किरणें देखिए ध्यान दीजिए इस वाले पूरे यहां से लेकर के इधर वाले हिस्से में चमक रही है रेगुलर और ये वाला हिस्सा जो यहां से इतना वाला हिस्सा है ये जब रात के समय में रोटेट हो करके दोबारा अपनी इस स्थिति में यहां पहुंचेगा ये वाला हिस्सा यहां पहुंचेगा ये वाला हिस्सा यहां पहुंचेगा रात के समय तो इसका मतलब कि इतने हिस्से में सूरज की किरणें दोनों टाइम चमक रही होंगी रात और दिन इसको हम कहेंगे कि छे महीने की नाइट सॉरी छे महीने का दिन ऐसे इस वाली कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर अर्थ जो है पृथ्वी ऐसे रिवॉल्व सॉरी रोटेट करती है अपने एक्सिस पे इस वाले पे तो ये एरिया अगर रोटेट करके आएगा भी तो यहां पहुंच पाएगा दोबारा रोटेट करके यहां पहुंच पाएगा 24 घंटे में कभी भी इस वाले लाइट वाले एरियाज में कभी भी ये हिस्सा नहीं आ पाएगा तो हम कह सकते हैं कि इतने हिस्से में सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं और छह महीने का यहां पे नाइट हो रहा है तो छह महीने का अगर यहां पे नाइट होगा तो छह महीने का इस एरियाज में देखिए हमने डे दे हो गया कैसे डे हो गया सूरज की किरणें अगर पड़ेंगी भी तो इतने हिस्से में मतलब कि वो रहेगा नाइट रहेगा क्योंकि आधे हिस्से पे ही सूरज जो है प्रकाशित कर पाएगा या अपनी किरणें डाल पाएगा आधा हिस्सा डे टाइम में रहेगा आधा हिस्सा नाइट वाला है आर्थ रोटेट कर रही है इस वाले लाइन को फॉलो नहीं कर रही रोटेशन में रोटेशन में अपने एक्सिस को फॉलो कर रही है जब अर्थ ऐसे झुकी हुई है इस झुकाव के कारण क्या है कि कुछ हिस्सा अर्थ का दोबारा घूम करके फिर लाइट वाले जोन में आ जा रहा है नाइट के समय भी और कुछ हिस्सा दूसरे साइड में हमने क्या देखा कि घूम करके अर्थ के सामने नहीं आ पा रहा है यानी इन एरियाज में दोनों टाइम दिन के टाइम में रात के टाइम में भी नाइट रहेगी या डार्क फेस रहेगा छ महीने के लिए नाइट छ महीने के लिए डे इसको हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ यहां देखने की बात है कि अगर एक बंदा यहां पे कोई अगर ऐसे खड़ा हुआ है इसको हम दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं अगर सपोज दैट सूरज को इस बार हमने इधर बना दिया यानी कि हमने पिछली बार डे वाला कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई किया सदन हेमेस्फेयर में यानी अंटार्कटिका पे छह महीने के लिए हमने डे बनाया था इस बार हम नदन हेमेस्फेयर में जो भी नदन पोल है वहां पे छ महीने के लिए दिन बना रहे हैं कि कैसे दिन आ जाएगा छ महीने के लिए मान लीजिए कि ये सन है इस पर इसका ये ऑर्बिटल पाथ है इस ऑर्बिटल पाथ पे अर्थ जो है रोटेट करती रहती है अर्थ कहां पे स्टैंडिंग कर रही है यहां पे कहीं पे ऐसे स्टैंड कर रही है अर्थ कहाँ पे स्टैंड कर रही है यहां पे कहीं स्टैंड कर रही है अर्थ जो है किस तरह से है सूरज की किरणें यह है क्लियर है कि इतने हिस्से पे पड़ेंगी इतने पे नहीं चमकेंगी इस वाले हिस्से पे सूरज की किरणें पड़ेंगी इधर वाले पे इधर वाले पे नहीं पड़ेंगी हमने क्या किया कि एक एक्सिस बनाया सूरज का ये अर्थ का जिसके चारों तरफ ही अर्थ रोटेट करती रहती है अर्थ जिसके चारों तरफ अगर रोटेट करेगी तो ये देखने की बात क्या है कि यह हमने इक्वेटर बना दिया ये हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना दिया ये हमने ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन बना दिया ये हमारा जो है मान लीजिए आर्कटिक सर्किल और दिस इज दिटिक सर्किल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ यहां देखने की बात क्या है कि अर्थ का इतना हिस्सा नाइट वाले जोन में है इतना हिस्सा अर्थ का नाइट वाले जोन में है और ये सारा का सारा हिस्सा हमारा अर्थ के डे वाले टाइम में है ये रोटेट करके ये नदन पोल है ये नॉर्थ पोल है रोटेट करके दोबारा भी सूरज की रोशनी के पास ही आ जा रहा है यानी दिन ही आ जा रहा है यहां पे ये हिस्सा रोटेट करके फिर यहां आ जा रहा तो यहां पे भी दिन है ये हिस्सा अगेन रोटेट करके आ जा रहा तो यहां पर भी दिन है ये हिस्सा अगेन तो रोटेट करके यहां आ जा रहा तो यहाँ पे भी दिन है इसका मतलब छह महीने के लिए दिन नदन हेमस्फेयर में इस वाली कंडीशन में होगा कब जब इक्कीस जून को सूरज चमक रहा होगा वर्टिकल नदन हेमोस्फेयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सेम ऐसे कंडीशन यहां पे देखिए यहां पे क्या है यह हिस्सा नाइट वाला टाइम है अगर यह रोटेट करके आएगा भी तो यहां पहुंच जाएगा यह हिस्सा रोटेट करके आएगा तो यहां पहुंचेगा तो यानी कि यहां पर चौबीस घंटा रात ही रात रहेगी इस तरह से यहां पर नाइट नाइट ही रहेगी तो ये जब रोट बारह घंटे के बाद रोटेशन करके ये दूसरी जगह आएगा तो यहां पे भी नाइट है फिर बारह घंटे के बाद नाइट वाले शेड में तो इसको जाना ही था तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पे छह महीने के लिए नाइट होगा अब देखने की बात क्या है कि ये, ये आपका इक्वेटर है इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं हमने देखा कि ये तो पूरा हिस्सा हमारा जो है इस इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए हमने देखा कि जो ये वाली ये जो हिस्सा है इस वाले में डे जो है बड़े बड़े हो रहे हैं दिन बड़े हो रहे हैं आप दिन क्यों बड़े हो रहे हैं कि सूरज की किरणें जब यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इस पे ट्वेंटी थ्री एंड हाफ पे चमक रहा होगा तो ये हिस्सा मैक्सिमम टाइम सूरज के रहता है एक टाइम आता है कि बहुत सारा हिस्सा नदन पोल का रात के समय भी सूरज के सामने चमक रहा होता है ये अलग बात है कि इस पर स्लान्ट रेस पड़ती हैं, वर्टिकल रेस खाली वहीं तक चमक रहेंगी चमकती हैं तो इस तरह से ये सारा का सारा जोन हमारा कहीं ना कहीं नाइट के टाइम पे भी यानी कि दिन वाली कंडीशन रहती है यानी डे रहता है तो इक्वेटर से जितने आप मूव करेंगे जब वर्टिकल सदर नदन हेमस्फेयर में सूरज की किरणें चमक रही होंगी तो दिन बड़े होते चले जाएंगे यहां पे छह महीने का दिन पोलर एरियाज में नदन पोल में जब सूरज वर्टिकल चमक रहा होगा यहां पे तेईस एंड हाफ पे यहां पे बारह घंटे का यहां पे तेईस एंड हाफ पे अप्रोक्सीमेट चौदह घंटे का ये नॉर्वे जो है वहां पे लमसम दिन होगा उस उन दिनों एट्टीन आवर्स के दिन होते हैं सेम उसी नॉर्वे के लैटीट्यूड पे सदन एमोस्फेयर में जो एरियाज होगा यहां पे एट्टीन आवर के नाइट होंगी तो ये एक समझने के लिए इमेजिनरी लाइन्स हमने ड्रॉ की और ये हम हमको समझने में काफ़ी मददगार हुई अब यहीं पे हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं ऑल द बेस्ट